ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता। टोटल देश में विश्व की भाजपा की कार्यशैली कार्यशाला मानी जाने वाली अध्यक्ष को आपने विजय किया है। सब बोल पट्टी खुल गई, जो ढका तोबा था अवधेश प्रसाद जैसे दिल्ली पहुंचेंगे सारा देश दुनिया जानेगी। वेट, उनका कहना था कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ये तो पूरी तरह से बहुत झूठा है। उसी तरह झूठा है सूरज जो है पूरब निकलता है पश्चिम बैठता है, और कोई कहे सूरज दक्षिण को तो नोबडी कैन बिलीव। तो ऐसे है, ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं, राम तो जन जन में हैं, राम को कोई लाए नहीं हैं। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे, क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं, ये स्वयं राम बन रहे थे, ये तो ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बार लगातार अयोध्या का दौरा किया, कैसे दिखे? प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। जब आपको पता चला प्रधानमंत्री लड़ने वाले, तो आपके अंदर कैसी खुशी महसूस हुई थी जी? आपको भी कैसी खुशी महसूस हुई थी कि हम प्रधानमंत्री के पक्ष में? हम तो हमेशा खुश रहते हैं, प्रधानमंत्री लड़ते चाहे कोई लड़ता, हमें तो अपने देवतुल्य जनता पर यकीन था, भरोसा था, हम उनके भरोसे पर, उनकी ताकत, हनुमान जी की कृपा पर हम आश्वस्त थे कि चुनाव हम जीतेंगे, 100% आश्वस्त थे। आप तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, नो डाउट। ऐसा क्या आपने सभी कार्यकर्ताओं में भूटी भरी कि 5 सीट से 37 सीट आएगी, क्या मुद्दा था? मुद्दा था हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की नीतियों का था, कार्यक्रमों का था, जिनको जिन पर लोगों को यकीन विश्वास है। 27 का चुनाव होगा, देख लीजिए सफाया रहेगा, बीजेपी विरोध में बैठने लायक भी नहीं रहेगी, एक तरफा हमारी सरकार बनेगी। तो जनता तो सब जानती है, जनता की परख इतनी अच्छी है, उतना तो कोई नहीं जानता है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए, ऐसा क्या किया आपने कि सभी मुद्दे धराशायी हो? हमने कुछ नहीं किया, जो किया है इस क्षेत्र की महान जनता ने किया है, देवतुल जनता ने किया है, हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने किया है, आदरणीय माताओं ने किया है, आदरणीय बहनों ने किया है, आदरणीय बेटियों ने किया है, और समाज के आदरणीय सभी वर्ग के लोगों ने अपना आशीर्वाद भी दिया, समर्थन भी दिया, वोट दे दिया, आर्थिक मदद भी की, ये उनका करिश्मा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आपसे कल से 2 बार बात कर चुके हैं, बुलाए हैं आपसे, अब ये तो चलता रहता है, अभी सब दिल्ली जा रहे हैं, सब बताने वाली चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर के अंदर की हर चीज़ नहीं बताई जाती। अयोध्या की जनता जानना चाहती है कि उधर आप जा रहे हैं सरकार बनाने, क्या मंत्री बन के आने की संभावनाएं हैं? देश अयोध्या ये तो जो जनता की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, और हमारे नेताओं का जो आशीर्वाद होगा होगा, अपने आप दिखाई पड़ेगा। हम पहले कह रहे हैं ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। राष्ट्रीय महासचिव होने के कर्तव्य में क्या रणनीति है आप लोगों? रणनीति जनता के बीच है, और रणनीति का ही इफेक्ट था कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। संविधान बदलने की बात की गई थी, क्या ये बड़ा मुद्दा रहा? बिल्कुल, नो डाउट, संविधान बदलने का, देश को संकट से उगाने का, ये बड़े मुद्दे थे, लोकतंत्र को बचाने का। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान पर हमला था, उस संविधान पर खतरा था,
तो उसको जनता ने समझ लिया कि ये तो हमारा संविधान बदल देंगे, हमारा आरक्षण बदल देंगे। तो उसके लिए मुद्दा तो ज़बरदस्त रहा है, मुद्दा रहा है, इनके फेलओवर का मुद्दा रहा, इनके निकम्मेपन का मुद्दा रहा, ये सारे मुद्दे थे जो चुनाव में जनता ने अपने आप जान लिया। इंडिया का गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, कितना आश्वस्त है इंडिया का गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, इसके लिए कितना आश्वस्त है? 100% I am 100% कॉन्फिडेंट कि सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको किया जा सकता है, संभावना है किसको? ये संसद सब तय करेंगे, हमारे नेता लोग तय करेंगे, इंडिया गठबंधन के नेता लोग सब तय करेंगे। पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री बनाने का कहीं कोई स्ट्रगल नहीं है, कहीं कोई टकराव नहीं है। और अगर आपको किसी के राय है बनवाना चाहे तो बता दो, आपकी बात भी हम रख देंगे कि आपकी सलाह ये है। हाँ भाई, प्रधानमंत्री का चयन के बारे में हम रहेंगे, तो आप कोई सिफारिश करना चाहते हो इसलिए बता दो। प्रधानमंत्री बने, हर आदमी अपने को चाहता है, अपना बाप चाहता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े, माँ चाहती है हमारा बेटा बढ़े, तो सब चाहते हैं। जो प्रभु की इच्छा होगी, जनता जनार्दन की इच्छा होगी सब होगा, हमारे नेताओं की जो इच्छा होगी सब होगा।